आरजेडी के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नीतीश सरकार पर करारा प्रहार किया है। बिहार में अपराध के ग्राफ के लगातार बढ़ने पर सिद्दीकी ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोगों को ये अपराध नजर नहीं आ रहा है। सिद्दीकी ने कहा कि आज बिहार की जनता त्रस्त है तो सत्ताधारी मस्त होकर तमाशा देख रहे हैं। बिहार सरकार के क्राइम रिकॉर्ड का जो में जाइएगा तो उससे भी आपको आंकड़ा मिल सकता है। और फिर जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उससे भी आपको मिल सकता है। मगर क्या है कि जो आदमी सत्ता में रहता है, अभी जो हमारा जो चश्मा है कहीं पारदर्शी है, इसे दिखाई दे रहा है। मगर सत्ता पक्ष के लोग जो चश्मा पहनते हैं तो उसमें उनको दिखाया जाता है, जो ज्यादा है वो कम दिखाई देता है और जो कम है वो ज्यादा दिखाई देता है। तो आज चौक पर, चौराहा पर, फिर मर्डर की घटनाएं, छीन छपट की घटनाएं, समझा के महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ी है। मगर उसको यही कह सकते हैं हम, जनता त्रस्त सत्ता मस्त। वहीं सिद्दीकी ने नए परिवहन कानून पर मोदी सरकार का करारा तंज कसा है। सिद्दीकी ने कहा कि नए कानून में जुर्माना की रकम बहुत ज्यादा है। एक तरह से मतलब कन्विंसिंग लॉजिकल कानून नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप जो है ट्रैफिक रूल का जो लोग पालन नहीं करते हैं उसको दंडित नहीं कीजिए, उनको दंडित कीजिए। मगर अगर ये मेरा मोबाइल 10 रुपये का है तो 100 रुपया जो है आप जुर्माना लगाते हैं तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। तो इसको कहा जाता है कि बिना सोचे समझे फिल्म के अनुकरण के हिसाब से, एक साउथ की फिल्म बनी थी उसका हिंदी में भी डब हुआ, सेम चीज है यही। सिद्दीकी ने कहा कि भारत में राजतंत्र नहीं है, इसलिए यहाँ बहस और जागरूकता से कानून सफल होता है। सिद्दीकी ने परिवहन कानून को प्रैक्टिकल बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नए परिवहन कानून में तार्किकता की कमी है। यहाँ राजतंत्र नहीं है, जनतंत्र है। बस मुआवजे से या जागरूकता से कानून जो है सफल होता है और लागू होता है। इसलिए मुझको लगता है कि मैं कानून को ठोस और कारगर बनाने के लिए और व्यवहारिक बनाने के लिए सरकार को उसमें थोड़ी तरमीम करने की। कानून बनता है सबके लिए। आप मंत्री जी का ड्राइवर का भी चेक कीजिए, मंत्री जी का भी चेक कीजिए, उसके बाद विधायक जी का, एमपी साहब का भी चेक कीजिए, और जिला में जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनका भी चेक कीजिए। तो कानून खाली आम आदमी के लिए कि सबके लिए? और नहीं, सबके लिए भी कानून जो है तो कन्विंसिंग कानून नहीं, जिसको जस्टिफाइड कानून कहना चाहिए। कुछ अरसे पहले सियासी गलियारों में सिद्दीकी के आरजेडी छोड़ जेडीयू ज्वाइन करने की चर्चा थी, लेकिन अब साबित हो गया है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू यादव के सबसे मजबूत और भरोसेमंद सिपहसालार हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा की रिपोर्ट।